तो गाइस फिश टेल में कैसे होता है ना, आपको बस दो पार्टीशन करना है बालों का। दो पार्टीशन करने के बाद आपको थोड़े बाल यहां से लाने हैं, थोड़े बाल लेफ्ट से लाने हैं। तो अभी ये हो गया राइट का पार्टीशन, हो गया लेफ्ट का पार्टीशन। तो अभी मैं थोड़े से बाल नीचे से लेना है, ऊपर रखना है यहाँ पे। ओके, नीचे से लेना है, ऊपर रखना है। और ये पूरा एक पार्टीशन है अपना, उसके साथ ये ऐसे बीच में आएगा। अभी वापस, अभी आपका जो लेफ्ट पार्टीशन है वहां से थोड़े से बाल लीजिए और उसको अपने राइट पार्टीशन में ऐड कीजिए। राइट को लेफ्ट में ऐड कीजिए, लेफ्ट को राइट में ऐड कीजिए। तो ये हो गया एक। अभी वापस मैं थोड़े से बाल अपने राइट वाले पार्टीशन से, थोड़े थोड़े ही बाल लेने हैं हमें। और लेके आपको क्या करना है, वो आपको यहाँ पे अपने लेफ्ट पार्टीशन के साथ ज्वाइन करना है। आपको क्या करना है, वापस आपका यहाँ से थोड़ा बाल लेना है लेफ्ट पार्टीशन से। तो हर एक पार्टीशन से आपको छोटे छोटे सेक्शंस लेने हैं एंड में से, और फिर वो आपको ऐड करना है आपके राइट पार्टीशन के। मैं यहाँ से लेफ्ट से लूंगी और यहाँ पे ज्वाइन करूंगी। फिर वापस यहाँ से लूंगी और यहाँ पे ज्वाइन करूंगी। वापस यहाँ से लूंगी, यहाँ पे ज्वाइन करूंगी। तो गाइस मैं अपने बालों पे भी ये करके दिखाऊंगी आपको। जैसे हम लोग ब्राइडल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अभी नेक्स्ट वीक से, तो मैं अपने बालों पे भी आपको ये सारे हेयर स्टाइल्स करके दिखाऊंगी। सो डोंट वरी। अभी आप लोग डमी पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए मैं डमी पे दिखा रही हूँ। तो वापस थोड़ा सेक्शन लेफ्ट से लेना है, राइट में ऐड करना है। तो आपको समझ में आ रहा है ना गाइज, आपको बस दो पार्टीशन करने हैं बालों के, और फिर आपको राइट से लेना है लेफ्ट में, लेफ्ट से लेना है राइट में ऐड करना है। और फिर इसको जो है, इसको आप ऐसे ही बंद करना और वापस लेफ्ट से लेना है राइट में ऐड करना, से लेना है राइट में ऐड करना है, राइट से लेना है लेफ्ट में ऐड करना है। पार्टीशन जो किए हैं ना, दोनों पार्टीशन में से थोड़े थोड़े बाल लेने हैं और ऐड करते जाना है। और फिर ये हो गया, अभी इधर आ जाएगा। वापस यहाँ से लेना है और ये हो गया यहाँ पे। राइट से लूंगी मैं बालों को और अपने लेफ्ट में ऐड करूंगी, लेफ्ट से लूंगी राइट में ऐड करूंगी, यहां से लूंगी यहां पे ऐड करूंगी। तो ऐसे ही आपको बस ऐड करते जाना है। किसी के बाल छोटे हैं, ड्राई है, तो आपको स्प्रे यूज करना होगा, जेल यूज करना होगा। जो भी मैंने आपको बताया है, जेल स्प्रे ऐसे ही यूज कीजिए। पहले बालों को प्रेप कर लीजिए और फिर ऐसे हम डाल चोटी। ओके, ये हो गया एक। ऐसे ही आपको भी इसमें ऐड करते जाना है। तो ऐसे एकदम प्यारी से एक, बस थोड़ा टाइट करके पकड़ते रहना है इसको अच्छे से। और ऐसे ही आपको ये प्यारी सी एक फिश टेल बनानी। ये ट्रेडिशनल पे सब बहुत अच्छा दिखता है, साड़ी पे एंड ऑल। अगर साउथ इंडियन स्टाइल आपको रेडी होना है तो आप लोग ऐसे फिश टेल डाल सकते हो पीछे, बहुत ही प्यारा दिखता है। और अभी मैं आपको दूसरे भी तरीके बताऊंगी फिश टेल के। ये हो गया गाइस फिश टेल। फिश टेल अभी साइड में करना है तो मैं आपको वो भी दिखाना चाहती हूँ। तो अगर साइड में आप फिश टेल करना चाहते हो तो आपको ऐसे ही साइड पार्टीशन करना है, यहाँ पे साइड में एक पोनी टेल डालना है। फिश टेल के साथ आप मैसी बन कैसे कर सकते हो ना, ये दिखा रही हूँ। तो ये हो गया एक, और फिर ये आपने एक पोनी टेल डाला। ओके, साइड में। साइड में डालने के बाद इसको बस ऐसे खोलिए थोड़ा सा, और खोल के इसको अंदर डालिए देना है। तो ये हो गया है आपका ऐसे। तो ये बहुत ही प्यारा दिखता है स्टार्ट में एक। ऐसे ही वापस दो पार्टीशन में डिवाइड करना है। अगर आपके बाल बहुत ड्राई है तो शाइन स्प्रे कर लीजिए। वापस वही करना है, लेफ्ट से थोड़े बाल लेने हैं, राइट में ऐड करना है। बहुत पतले पतले सेक्शंस लेने हैं, ठीक है। राइट में लिया मैंने अभी पहले, लेफ्ट में ऐड किया, अभी लेफ्ट से ले रही हूँ राइट में ऐड कर रही हूँ। वापस थोड़े बाल राइट से ले रही हूँ और
यहाँ पे लेफ्ट में ऐड कर रही हूँ, वापस लेफ्ट से ले रही हूँ, राइट में ऐड कर रही हूँ, वापस राइट से ले रही हूँ, लेफ्ट में ऐड कर रही हूँ। आपको ये ठीक से अभी समझ में आ रहा है? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे ही आपको ये करते जाना है। ये रबर दिख रहा है अभी, बट अगर आपको, आप लोग वहां पे कुछ भी एक अच्छा सा रबर डाल सकते हो वो भी अच्छा दिखेगा, नहीं तो मैं अभी बन खा रही हूँ कैसे करना है, इसलिए वो रबर मैंने ऐसे ही छोड़ा है, वरना आप लोग एक हेयर स्टैंड को लेके रैप भी कर सकते हो उसके अराउंड। थोड़ा सा ओपन कर लीजिए, थोड़ा सा, खोल के थोड़ा बड़ा कर लीजिए, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे बस इसको ऐसे बॉबी पिन या यू पिन के साथ इसको होल्ड कर लीजिए। ऐसे फ्लावर के जैसे भी लगता है, प्यारा भी दिखता है, तो ऐसे ही आपको इसको भी होल्ड करना है और इसको बस जैसे चाहिए वैसे थोड़ा ब्रॉड कर लीजिए। एक फिश टेल डालना है और फिर ऐसे साइड में एक मैसी बन डाल, साइड में ऐसे ही मैसी बन डाल सकते हो और यहाँ पे ऐसे एक्सेसराइज कर सकते हो उसको, बहुत ही प्यारा दिखता है। ऐसे आप लोग रोज भी लगा सकते हो। अभी हम लोग फॉक्स फिश टेल कैसे डालना है वो सीखेंगे। सेक्शन लेना है पूरा, और सेक्शन लेने के बाद इसको एक रबर बैंड से आपको होल्ड करना है, और फिर आपको थोड़ा सा लूज रखिए, पार्टीशन कीजिए, पार्टीशन करके इसको, ये पोनी टेल को यहाँ से नीचे से ऐसे लेके आइए ऊपर। ये हो गया आपका फर्स्ट, इसके बाद वापस सेकंड सेक्शन लेना है, रबर बैंड लगा के क्या करना है, वापस आपको नीचे से इसके अंदर डालना है, तो यहाँ पे जो ऐसे बनता है ना बस उसी से पूरा अच्छा शो आता है गाइस। अभी वापस थर्ड सेक्शन के लिए मैं थोड़े बाल ले रही हूँ, या वापस इसके अंदर से इसको डालना है, दैट्स इट। तो गाइस कितना प्यारा दिख रहा है, कितना इजी है, 2 मिनट में आप लोग अपने क्लाइंट्स पे खुद पे कर सकते, दिखने नहीं चाहिए करके आप लोग ऐसे एक थोड़े डेकोरेशन वाले यू पेंस या फ्लावर्स कुछ भी लगा सकते हो, तो मैं ये वाले बीड्स लगा रही हूँ। यहाँ पे ये फॉक्स ब्रेड बनके रेडी हो गया। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीक से हम लोग ब्राइडल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी जो भी बचे हुए हेयर स्टाइल्स है सब कुछ हम लोग ब्राइडल सीरीज में ही कवर करेंगे। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और बेल बटन भी जरूर क्लिक करना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले पता चले। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक, टिल देन बाय एंड टेक केयर।